कुत्ते की नाक बहुत तेज होती है, अब देखो वो कहाँ पे आ गया है। कैसे हो? घर के बाहर ही आके बैठ गया अभी। सो गाइस, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बोल दिया क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं और ये चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ जमील के पास, क्योंकि इस चीज़ का मुझे वायरिंग नहीं आता। ये कैपेसिटर फ़ैन में कैसे वायरिंग होता है वो मैं भूल गया, तो ये जमील मुझे 2 मिनट में करके देगा। और कितने दिन से वो काम ऐसे पेंडिंग पड़ा है। शाम का टाइम हो गया, सभी लोग अपने अपने कामों से आ चुके हैं, घर की ओर जा रहे हैं, थोड़े सा साग सब्जी भाजी खरीद रहे हैं। और एक छोटी सी अपडेट, बोईसर में भी 2-3-4 इतने सारे कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे जिसकी वजह से बहुत सारे एरिया जो है सील कर रहे कि ना जहाँ पे ना जाना है ना वहाँ से आना है, ऐसा हो रहा है। लेकिन दुकानें चालू है, सब कुछ यहाँ पे देखिए समोसा वड़ा पाव मिल रहा है, वहाँ पे एवरीथिंग ओपन। इस जगह पे आपको कुछ ज़्यादा भीड़ दिखेगा क्योंकि बोईसर मार्केट है वो भी 5 से 6 दिन के लिए बंद कर दिया है क्योंकि मार्केट में भी एक केस आया है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड होता है मार्केट एरिया में, वहाँ पे केस आ गया तो वो एरिया पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मैं एक और चीज़ कहूँगा आपको कि आपके यहाँ पे भी कैसे कुछ कुछ एरिया ऐसे होंगे जिसका नाम बहुत ही मतलब यूनिक नाम होता होगा। सो ये जो गली है इसका नाम है भंगार गली, क्योंकि यहाँ पे भंगार के बिजनेस बहुत होते हैं। सो ये कुछ 100 या 150 मीटर के एरिया में ये बिजनेस है और उसके बाद पूरा रहने का घर है यहाँ पे। सो यहाँ पे आरिफ का नहीं जमील का वर्कशॉप है एसी और फ्रिज रिपेयरिंग का। अरे मैं 2 दिन पहले ले गया लेकिन साला वायरिंग भूल गया। वायरिंग कैसे होता है ये ले तो नहीं किया, तो चल जाता। हाँ पानी पी, चाय पी, ठंडा हो गया। ओके एक काम हो गया, आंधे सीधा आंधे एक काम हो गया। तो आरिफ के पास, जमील के पास, अरे कंफ्यूज, आरिफ के पास आया था एक और काम के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, बस देखो इसमें एक ही लाइट जल रहा है यार, 2 लाइट नहीं जलता इसमें बैक का। बस सीधा ले इधर आ जा। इतनी बड़ी गाड़ी कैसे घुसा देते रे तुम लोग? ए रुक, मैं दबा मत देना। ए रुक। एकदम बाप रे, ए लिटिल बिट जगह है खाली, वो देख कितना जगह था उधर। रात के बज रहे, पता नहीं क्या आप कितना बोलते हो, और ये कुछ है कहाँ जा रहा हूँ आपको बताता हूँ। अभी आवाज़ मत करना, पिछले 1.5 घंटे से आवाज़ कर रहा था, अभी आवाज़ मत करना। सो भाई साहब को भूख लगी थी और 1.5 घंटे से आवाज़ कर रहे थे, ये देखो पूरा ख़त्म कर दिया। और चाहिए भाई? और चाहिए? जो भूखा होता है ना भाई बड़ा चिल्लाता है। और चाहिए? चल देखो देता हूँ घर पे, चल आ जा फॉलो मी, आ जा कम। और चाहिए तो आ जा। बाकी दूध भी है और यहाँ भी दूध गिर गया, अब वो आएगा क्या? आजा, अरे आजा, ये ग्लास में कैसे पिएगा? आजा। अब मुझे इससे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, इसके दांत देख के। रुक जा भाई, रुक वे। आज का ग्लास तेरे पूरे नाम। अब आवाज़ मत करना, बहुत तकलीफ होता है।
जिसकी आवाज़ ना डेढ़ घंटे से आ रही थी चिल्लाने की, लास्ट में बहुत ज़्यादा जोर से आने लगा, तो सोचा कि देखा जाए। तो भाई साहब बहुत भूखे थे, चलो बाबा ख़त्म हो गया। अब इस ग्लास और इसको मैं यहीं पे रखूँगा, और वो डॉग वहाँ पे ही है, कहाँ पे तो है वहाँ पे, अभी तक है कि गए वो देखिए, वो वहाँ पे है, वो लगता है वहीं पे रहेगा। पहली बार सोसाइटी में आया है, उसको आज से पहले कभी तो देखा नहीं है, तो आज ये दूध उसके नसीब में था, मेरे नसीब में नहीं। तो इसको मैं बाहर ही रखता हूँ, सो मम्मी को बताऊँगा कि क्या हुआ इस दूध का। और इधर जो दूध का खुशबू आ रहा है ना, उसको ठीक करना पड़ेगा। सो आपने टाइम देख लिया, मतलब 2:30 बज चुका है, और मैं रोज़ रात को मतलब 3:30 रोज़ बजे जाते, तो रोज़ की तरह ऐसी जगह था सोशल मीडिया पे लगा पड़ा था, क्योंकि अब खाली मेरे पास सोशल मीडिया के लिए नाम के लिए 2 ऐप बचे हैं, एक है इंस्टाग्राम, एक है फेसबुक। टिकटॉक जो था वो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, सारे वीडियो क्लिप मार अपलोड करके अनइंस्टॉल कर दिया टिकटॉक पूरी तरह से, और यूट्यूब है। सो आपको एक चीज़ सीखने मिलेगा, इन केस कभी आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है किसी का आवाज़ आता है, तो भाई पत्थर उत्थर ना मारे, वॉचमैन को बोल के उसको भगाने ना बोले, मदद करने की कोशिश करे, 2 मिनट में काम ठीक हो जाता है। उसे भूख लगी थी, एक गिलास दूध दे दिया जो था मेरे पास अवेलेबल, बिस्किट उस्किट पता नहीं कहीं तो रखा होगा घर में, पर मुझे पता नहीं, तो दूध दिखा तो मैं दे दिया, अब वो शांत हो गया और हमें भी अच्छा लगा। सो ऐसा आप भी करें कभी इमरजेंसी रात वात को प्रॉब्लम हो, लेकिन देखना बाहर सेफ हो। ओके, बाहर गया था बाद में मुझको देख, कुत्ते को देख के डर गया था, उसके दांत वात यहाँ से अलग ही स्टाइल के दिख रहे थे, लेकिन बाद में ध्यान से देखा तो दूध के निशान थे जो उसके यहाँ के जो मुंह के बाल होते उस पर लगे हुए थे। सो कहते हैं ना कुत्ते की नाक बहुत तेज़ होती है, अब देखो वो कहाँ पर आ गया है, बोला ना मैं हल्का हल्का आवाज़ आ रहा है। ओके, कैसे हो, घर के बाहर ही आके बैठ गया अभी, नहीं घर के अंदर तो नहीं लेंगे तुमको, नहीं नहीं नो, क्योंकि यहाँ पे दूध गिरा है तो उसकी खुशबू सुन सुन के आई है, बिल्कुल नहीं लेंगे घर के अंदर, यू स्लीप हियर, कल सुबह ठीक होंगे तो तुमको नहलाएंगे। क्या कह रहे थे, कैमरा है इसको खाना नहीं है, इधर ही बैठो, ये पता नहीं कहाँ से आया यार। भाई एक गिलास दूध मतलब पेट भर गया रहेगा, देखो इधर ही रहो, सुबह मिलते हैं। ओके चलो बाय बाय, गुड नाइट, पॉटी मत करना, बाय बाय। सो अभी हो चुका है अंधेरा, तो उसको रात में समझ नहीं आ रहा कि रात में कहाँ जाए, तो जहाँ पे उजाला मिले और जहाँ पे खाना मिले वहीं पे स्टे कर लिया है, तो सुबह देखेंगे कि वो यहाँ पे रहेगा कि वापस जाएगा। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तो बाहर है वो खाना पीना, तो उसको खाना नहीं, एक गिलास दूध तो दे दिया है, तो आई होप कि अभी वो ठीक होगा, घर के बाहर ही है। सो सुबह देखते हैं गाइस, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, देखिएगा सुबह है कि नहीं वो।